अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, हमने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से जन्म दिया, तुम्हारे पास इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वजअला लकुमुस समा वल अबसारा वल अफ़इदा, हमने सुनने और देखने की तुम्हें ताकत दी ताकि इससे तुम अच्छी चीज़ों को सुन के, और दिल दिया उसमें एक अच्छा नज़रिया, एक अच्छा अकीदा। अल्लाह इस दुनिया और इस ज़िंदगी और इस इम्तिहान के बारे में बनाओ, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। इंसान का इल्म फासिद हो जाता है, उसमें बीमारियां आ जाती हैं, जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कि इंसान का दिल निफाक की बीमारी से मरीज़ हो जाता है, सकीम हो जाता है। और सेहत याब होने के लिए इसे यकीन की दौलत चाहिए, इसे इल्म की दौलत चाहिए, इसे अमल की दौलत चाहिए, इसे सालिम नीयत की दौलत चाहिए और सब्र की दौलत चाहिए। इंसान का दिल वही और शरीयत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और हदीस के बगैर ना मुनव्वर हो सकता है और ना ही सेहत याब हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला जब भी इस दुनिया में कुरान और हदीस और वही जो आसमानों से नाजिल की थी अल्लाह ने इस दुनिया पर, इसकी मिसाल देते हैं तो उसकी पानी से ताबीर करते हैं। और सूरह रात में अल्लाह फरमाते हैं कि अनज़ला मिनस समाई माअन, कि हमने आसमान से पानी नाजिल किया, फसालत औदियतुम बिकदरिहा, और इस पानी के नाजिल होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से नाले जारी हो गए, फहतमल सैलु ज़बदर रबिया, और हर नाले ने जो इस पानी के जमा होने से निकला था उसने अपने ऊपर झाग को उठा लिया, वमिम्मा युक़िदून अलैहि फ़िन्नार, और इसी तरीके से जब तुम सोने को पानी में पकाते हो पाक करने के लिए, साफ़ करने के लिए, इब्तिगा हिलियतिन औ मता ज़बदुम मिसलुहु, इसी तरह की एक झाग उधर भी बन जाती है। अल्लाह ताला ने झाग की मिसाल इंसान के दिल में शको शुभात से दी है, और अल्लाह ताला ने अपनी वही और अपने दीन की मिसाल पानी से दी है, और अल्लाह ताला ने इंसान के दिल की मिसाल उन वादियों से दी है जिनमें यह पानी जमा होता है। कुरान और हदीस के आने से इंसान के शको शुभात झाग की तरह उड़ जाने चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों के यहाँ ये बीमारियाँ कायम रहती हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के अहकाम पर और उसके वादों पर यकीन नहीं होता। आगे अल्लाह फरमाते हैं, कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल हक्क वल बातिल, हक ऐसा ही होता है और बातिल भी झाग की तरह होता है, फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफा, तो जो शक शुभात होते हैं उन्हें तो हवाएं उठा के इधर उधर फेंक देती हैं, और वह अम्मा यनफाउन नासा फयम कुसूफिल अर्द, जो नफा बख्श चीज़ होती है वो पानी में भी जो उन नालों में था और उन वादियों में था और उन पतीलों में भी, वो पानी जिसमें सोने को साफ किया जा रहा था, पकाया जा रहा था, सोना ज़मीन पे बैठ जाता है, और उन नालों में भी जो लोगों के फ़ायदे की चीज़ होती है वो ज़मीन में बैठ जाती है और उससे लोग भी फ़ायदा उठाते हैं और उस सोने से लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। ईमान ऐसा ही होता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन, आखरत पर यकीन और दीन पर यकीन और किताबुल्लाह पर यकीन, ऐसा ही नफ़ा बख्श होता है, वो इंसान के दिल में भी बैठ जाता है, उससे इंसान भी फ़ायदा उठाता है और दूसरी मखलूक भी। मगर शक व शुबात की ज़िंदगी एक झाग वाली ज़िंदगी है, ये इंसान को किसी जगह पर भी टिकने नहीं देती। जिस तरह झाग उठा के हवाएं इधर उधर फेंक देती हैं, इंसान भी तकलीफ़ों, मसाइब में और परेशानियों में शक व शुबात की वजह से कभी इधर होता है और कभी उधर होता है। कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल अम्साल, अल्लाह ऐसे मिसालें बयान करता है इंसान को समझाने के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन
उसके दीन के ऊपर कामिल यकीन, सिरात मुस्तकीम पर कामिल यकीन, अल्लाह से मुलाकात पर कामिल यकीन ही इंसान को नफ़ा दे सकता है। वरना ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब तो आ ही शक को मिटाने के लिए है। अगर शक व शुभात इंसान के दिल में होंगे, उस दिल को कभी इत्मीनान नहीं होगा, वो झाग की तरह उड़ा दिया जाएगा, परेशानियों में किसी जगह पर करार नहीं पा सकेगा।